जिन सन्यासियों ने अथवा लोगों ने प्रशासनिक अभद्रता की है उन्हें मेला छोड़ना होगा, और इस तरह से कोई अनुशासनहीनता मन नहीं होगी। और हमने उन लोगों से कहा कि आप मेला छोड़िए, यद्यपि शासन में इतना साहस नहीं था कि उनको ये कह सके कि मेला छोड़िए, न्यायालय ऐसा नहीं कह सकता था कि आप मेला छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि शासक प्रशासक स्वयंसेवी संस्थाएं इन सब का अपने आप अनादर नहीं कर सकते। आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आधारभूत मूलभूत सब सुविधाएं, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण था कोई एक दृश्य ऐसा कुछ। बाद में हम लोगों ने पता लगाया तो कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किस तरह के थे, तो बहुत परंपरा से वो लोग साधु थे भी नहीं। संयोग से मैं स्पष्ट कर दूं कि वो कोई परंपरागत साधु नहीं थे। तो जैसे कुछ नए लोग जो घुस जाते हैं लाल कपड़े पहनकर, तो उस तरह से कोई एक बात थी। वो ये वेश ऐसा है कि जब ऐसा लगा रावण को, जब कोई युक्ति नहीं है सीता तक पहुंचने के लिए, पिछले संघर्ष में एक बात हो गई कि अपेक्षा से अधिक वहां साधक पहुंच गए श्रद्धालु, तो हम ये देख रहे थे कि वो अपने आप ही व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आस्था कई बार अपना रास्ता भी ढूंढती है। तो इस बार चूंकि वो एक बहुत बड़ा समूह आ गया था, तो इस बार प्रशासन को ऐसा लगा है कि मेला क्षेत्र दुगना कर देना चाहिए। तो 2004 में जब हम लोग सिंहस्थ में थे तो हमको भी कल्पना नहीं थी, जैसे मुझे ये क्षमा कीजिए, वहां सबसे बड़ा शिविर हम लोगों के पास था, मेरे पास ही सर्वाधिक सन्यासी हैं, ये तो आपको पता ही, भारत के 80% सन्यासी मेरे पास हैं, 30-35 हज़ार तो सन्यासी मैंने दीक्षित कर दिए थे वहां, तो हम भी नहीं जानते थे कि इतने लोग आ जाएंगे। पर चूंकि अब सरकार को हमने ये बात कही, पीछे सरकार आई थी मिलने, मध्य प्रदेश सरकार में उनके 2-3 बार अधिकारी आए, हम सब सन्यासियों से मिल रहे थे, माने मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि पिछली घटनाएं दो हुई, कि एक तो मेला क्षेत्र छोटा सा दिख रहा था तो इस बार वो बड़ा कर दिया है, और दूसरी बात यह हुई कि इस मेले को हम विश्वव्यापी मेला बनाएंगे। तो इस बार ये सिंहस्थ की ब्रांडिंग इस तरह से की जा रही है हम सबके द्वारा कि हम सब लोग पूरे विश्व को आकर्षित कर सके, और उसकी सुविधाएं हैं। अभी अभी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि प्रशासन शासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, वहां कुछ संकेत तो अच्छे ही आ रहे हैं। अब तक तो हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, मैं कोई ये पक्ष नहीं ले रहा हूं। इतनी सुंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस, और किस ढंग से एक तरह से सड़कों का जाल बिछा है, किस तरह से उसको पूरा इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण हो रहा है और सौंदर्यकरण हो रहा है। तो लेकिन उसमें हमें एक और बात कहनी है कि स्वयं से भी संगठन जुड़े, जैसे साधकों को ठेले में बिठाए स्नान कराने ले जाए, वहां मेले में तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो शासन के इतर हम स्वयं से भी संस्थाओं को भी का भी आह्वान करना चाहते हैं कि इंदौर के स्वयं से भी संगठन निकले और वो ठेला लेके चले जल्द, जैसे भी अग्रवाल समाज वहां प्याऊ लगा रहे हैं, हिंद रक्षक ने जैसे वो श्रवण रथ चलाया उन्होंने, तो वो एक सामूहिक जिम्मेदारी है। पर अभी तक की सारी सुविधाएं